मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं शशि मौर्या, योर हिंदी टीचर, सनशाइन सीनियर सेकेंडरी स्कूल दिखनिया गाजीपुर से। आज मैं इस वीडियो में कक्षा 9 के हिंदी कृतिका के अंतर्गत मेरे संग की अवते मृदुला गर्ग द्वारा रचित पाठ का शेष अंश पढ़ाने जा रही हूँ, जिसे आप ध्यानपूर्वक सुनेंगे और समझने का प्रयास करेंगे। तो चलिए हम इसका शेष अंश शुरू करते हैं। देखिए, क्योंकि पिताजी की ही नहीं, दादाजी की भी बहनें मौजूद थीं। हाँ, पहला बच्चा हर बहू का बेटा होता रहा। खैर, माँ जी ने अपनी तरफ से कोई सफाई नहीं दी, बल्कि बदस्तूर मंदिर जाकर मन्नत दोहराती रही। बदस्तूर का मतलब होता है नियम से, यानी प्रतिदिन। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि क्योंकि पिताजी की ही नहीं, कह रही हैं कि लेखिका कह रही हैं कि पिताजी की ही बहनें नहीं थीं, बल्कि उनके दादा की भी बहनें मौजूद थीं, लेकिन फिर भी हर बहू का पहला बच्चा बेटा ही होता रहा है। लेकिन उनकी माँ क्या कही थी, उनकी दादी, उनकी माँ यानी पहला बच्चा हुआ बेटी मांगती हैं। तो इस पर लेखिका कह रही हैं कि खैर, माँ ने अपनी तरफ से इस प्रकार की बातों में माँ ने अपनी तरफ से कोई भी सफाई नहीं दी, बल्कि यानी प्रतिदिन वो नियम से अपना मन्नत जाकर मंदिर मांगती रही है, बार बार इस बात को दोहराती रही कि हे भगवान, पहला हमारी बहू का पहला बच्चा बेटी हो। पूरा नुक्कड़ गांव जानता था कि माँ जी का भगवान के साथ सीधा सीधा तार जुड़ा हुआ है। और लेखा कर रही है, पूरा गांव को ये मालूम था कि माँ जी का भगवान से सीधा सीधा, यानी जो चीज़ माँ जी मांगती थी वो चीज़ भगवान उन्हें दे देते थे, पेतार का तार। इधर वो तार खींचती, उधर टन से तटहस्तु बचता। मेरी दादी तो पहली मर्तबों में ही तैयार हो गई थी कि गोद में खेलेगी तो पोती। अब देखिए, यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि यानी जब भी वो भगवान से मन्नत मांगने जाती थी, वो उधर मन्नत मांगती, इधर भगवान उसे तुरंत दे देते थे। और कहती हैं कि मेरी दादी तो पहली बार ही वो तैयार हो गई थी कि हमारी बहू के गोद में खेलेगी तो पोती ही, लड़की ही। पर माँ जी की आरजू किस कदर रंग लाएगी, उसका उन्हें भी गुमान न रहा होगा। अब कह रही आरजू मतलब निवेदन करना, प्रार्थना करना। अब वो कह रहे हैं कि लेखिका कह रहे हैं कि माँ जी का जो निवेदन था, प्रार्थना था, किस कदर रंग लाएगी, ये किसी को मालूम नहीं था। अब देखिए, लड़की की गैर वाजिब जुस्तजू सुन भगवान कुछ ऐसी अफरा तफरी में आ गए कि एक ना दो पूरी पांच कन्याएं एक के बाद एक धरती पर उतार दी। अब देखिए, लेखिका कह रही हैं गैर वाजिब मतलब अनुचित होता है, और जुस्तजू मतलब प्रार्थना करना। अफरा तफरी ये मुहावरा है हरोड़ी में आ जाना। अब वो लेखिका कह रही हैं कि यानी कि माँ और दादी के प्रार्थना करने पर, या वह अनुचित हो या उचित हो, जो भी वह प्रार्थना करने पर भगवान हड़बड़ी में एक नहीं, दो नहीं, बल्कि पांच कन्याएं एक के बाद एक धरती पर दे दिया। भगवान को क्या कहें, माँ जी के सामने तो नामी चोर भी अफरा तफरी में आ जाते थे। अब यहाँ लेखा कर रहे हैं कि भगवान को क्या कहें, भगवान तो माँ के मन्नत मांगने पर घबरा जाते थे और तुरंत उसकी मन्नत पूरा कर देती। यहाँ तक कि जो नामी चोर है, जो बहुत दिनों से चोर है, जिसका नाम भी है चोर के लिए, तो वो भी क्या है, माँ जी के सामने क्या है, घबरा जाता है। माँ जी और नामी चोर का किस्सा होश संभालने के बाद मैंने कई बार सुना था। चोर के दीदार की खुश नसीबी भी हाथ आई थी। अब यहाँ लेखा कर रही हैं कि माँ जी और नामी चोर का किस्सा यानी होश संभालने पर उन्होंने कई बार सुना था, और चोर की दीदार की खुश नसीबी उनके सामने भी आई। अब देखिए, लेखिका उस चोर के बारे में, जो नामी चोर था, उनके बारे में यह बताती हुई कहती हैं कि हुआ यूँ था कि किसी शादी के सिलसिले में नुक्कड़ की हवेली के तमाम मर्द बारात में दूसरे गांव गए हुए थे।
औरतें सज धज कर रत जग्गा मना रही थी, रात को जगना। नाच गाने और ढोलक की थाप के शोर में नामी चोर कब सेंत लगाकर हवेली में घुस गया, किसी को खबर न हुई। अब देखिए यहाँ पर लेकर नामी चोर और माँ जी के बारे में जो खिस्सा सुना था उसके बारे में वो कह रही हैं कि एक बार शादी के सिलसिले में पूरा नुक्कड़ की पूरी हवेली यानी तमाम आदमी बारात में दूसरे गांव में गए हुए थे। औरतें सज धज कर रात जगह मना रही थी यानी रात को औरतें सज धज कर नाच गाना कर रही थी और उसी समय एक नामी जो चोर था घर में शेद लगाकर हवेली में घुस आया और किसी को यह खबर तक नहीं हुआ। पर चोर था बदकिस्मत, जिस कमरे में घुसा उसमें माँ जी सोई हुई थी। औरतों के शोर से बचने को वे अपना कमरा छोड़ दूसरे में जा सोई थी। चोर बेचारा तमाम जोग्राफिया दिमाग बिछड़ा कर उतरा था, उसे क्या पता था कि इतनी बड़ी बूढ़ी पुरखिन जगह बदल लेगी। खैर बुढ़ापे की नींद ठहरी, चोर के दबे पाँव की आहट से ही खुल गई। अब देखिए यहाँ पर लेखिका कह रही हैं कि जब चोर हवेली में सेंध लगाकर घुसा तो उस समय उसको पता नहीं था कि उनकी माँ औरतों के शोर शराबे से बचने के लिए अपना कमरा छोड़कर दूसरे कमरे में गई थी। यहाँ तक लेखिका कह रही हैं कि उस हवेली के जितने जो तमाम नक्शे होते हैं उसको चोर अपने दिमाग में क्या किया था, बैठा लिया था और बैठाने के बाद तभी वो उस हवेली में वो घुसा था। और उसको क्या पता था कि जो घर में सबसे बड़ी बुजुर्ग जो पुरखिन मतलब बड़े बुजुर्ग को कहते हैं कि वो अपनी जगह बदल लेंगी। खैर अब यहाँ पर लेकर कर रहे हैं खैर यानी बुढ़ापे की निधि ऐसी होती है कि जो चोर की दबे पैरों से ही जा रहा था लेकिन थोड़ा सा आहट मिलने पर उनकी दादी की नींद खुल गई। कौन, माँ जी ने इत्मीनान से पूछा। अब यहाँ पर देखिए लेखिका कह रही हैं कि दादी माँ पूछ रही हैं, चोर से ही पूछ रही हैं। कौन, बहुत ही आराम से वो पूछती हैं। जी मैं, चोर ने युगों से चला आ रहा पारंपरिक असंगत जवाब दिया। चोर क्या है, बहुत युगों से चला आ रहा जो पारंपरिक असंगत ढंग से वो क्या क्या जवाब दिया कि मैं पानी पिला, माँ जी ने कहा। अब इसके बाद माँ क्या कहती हैं, पानी पिलाओ। जी मैं, चोर झिझक कर रह गया। अब देखिए अब चोर क्या करता है, झिझक कर रह जाता है, कहता है कि जी मैं यानी उसको आश्चर्यचकित होता है कि माँ जी मैं तो चोर हूँ लेकिन मुझे पानी पिलाने की कर रही होंगी, इसका मतलब कि उन्हें कुछ पता नहीं है। तब तक माँ जी बिस्तर के बराबर में टटोल कर देख चुकी थी कि लोटा खाली था। ऐसा कर उन्होंने कहा, यह लोटा ले और कुएं से पानी भर ला, पर देख कपड़ा कसकर बांधे रखियो और तरीके से छानियो। अब देखिए यहाँ पर जो लेखिका हैं कह रही हैं कि तब तक माँ जी क्या है बिस्तर से अपना हटकर यानी जहाँ पर लोटा लिखी थी उसको ढूंढकर वह चोर को लोटा देती हैं और उसे कहती हैं कि ठीक है कुएं से तुम पानी भर कर ले आओ लेकिन अपने मुख पर जो कपड़ा बांधे हो उसको अच्छे ढंग से बांध रखना कि कपड़ा खुले। ठीक आगे देखिए, चोर घबरा गया, अंधेरे में उन्होंने कैसे जाना कि उसके मुंह पर कपड़ा बंधा है और कमर में भांग। भगवान से उनका तार जुड़े होने की खबर उसे थी, पर बुढ़िया भांग भी छानती होगी एकदम यकीन न हुआ। इसी से कुछ हैरान परेशान हो उठा। अब देखिए लेखिका यह कह रहा है कि जब लेखिका की दादी माँ जब उसे कहती है कि अपने मुख से कपड़े हटाना मत, कसकर उसको बांधे रखना कि खून न जाए, तो ये सुनकर चोर क्या करता है, घबरा जाता है और वह सोचने लगता है कि इन्हें कैसे पता चला कि इनके मुख पर कपड़ा बंधा है। और वो तो पहले से सुना ही था कि जो यानी इस बूढ़ी का यानी भगवान से सीधा तार जुड़ा हुआ है, अब फिर भी उसे यकीन न हुआ और उनकी बातों को सुनकर वह परेशान हो उठता है। जल्दी कर भाई, तभी माँ जी ने कहा, बड़ी प्यास लगी है। अब उस पर माँ जी क्या करती हैं, क्योंकि वो परेशान हो उठा तो एक कुछ पल के लिए उस लोटा को लेने के लिए संकोच करता है, तो
उदारी माँ तुरंत उस पर कहती जल्दी कर। तभी माँ ने कहा बड़ी प्यास लगी है, पर मैं तो चोर हूँ, मारे घबराहट और धर्म संकट से चोर सच कर गया। और इसके बाद जब उनकी बातों को दादी माँ की बातों को सुना कि तुम जल्दी से लोटे में भर कर पानी लाओ क्योंकि मुझे बहुत तेज से प्यास लगी है, तब चोर क्या करता है, धर्म संकट में पड़ जाता है। और उस समय धर्म संकट में पड़ने के कारण वो क्या करता है, घबरा जाता है, और घबराने से उसके मुख से सत्य निकल जाता है कि जी मैं चोर हूँ। अब आगे देखिए, हुआ करे माँ जी ने कहा प्यासे को पानी तो पिला, पर देख मेरा धर्म ना बिगाड़ियो, लोटे के मुँह से कपड़ा ना हटाइयो, हाथ रगड़ कर धो लीजो और पानी कपड़े से छान कर भरियो। इसके बाद माँ जी ने क्या कहा, लेखा कहती कि माँ ने कहा कि तुम कोई भी हो, चोर हो या कोई हो, मुझे पानी पिलाओ और मेरा धर्म मत बिगाड़ना, और लोटे के मुख से अब कपड़े को मत हटाना, और हाथ अच्छे से रगड़ कर धो लेना। आप चोर की हाथ से का पी लोगी? अब चोर उनसे पूछता है कि आप चोर की हाथ का पानी पी लेंगी? कहा ना रगड़ कर धो लीजो, सब नाच गाने में लगे हैं, तेरी और भगवान के सिवा कौन है धरा जो पिलाएगा। अब वो क्या कहती हैं कि मैंने तुमसे कहा है ना कि तुम चोर हो या कोई हो, हाथ अच्छे से धो लेना क्योंकि सभी लोग नाच गाने में लगे हैं, और यहाँ पर तुम्हारे और भगवान के सिवा हमारे पास कोई नहीं है, भगवान कहीं कहीं उसके बराबर में धरे हैं। सुनकर चोर कुछ ऐसा अकबकाया, अकबकाया का अर्थ होता है घबराना, कि लोटा उठाकर चल दिया पूरी एहतियात के साथ, पानी भरकर लौटा तो पहरेदार ने धर दबोचा, कुएं पर देख लिया गया था। अब देखिए यहाँ पर लेखा कहती हैं कि जब वो कहता है कि माँ, जब दादी उनकी कहती हैं कि भगवान मेरे पास हैं, तो वह चोर क्या करता है, घबरा जाता है, और घबराने के बाद तुरंत तो लोटा उठाकर चल देता है, और पूरी एहतियात मतलब सावधानी के साथ वह जाता है और लोटे को पानी भरकर ले आता है। तभी पहरेदार उसको दबोच लेता है। तब माँ जी ने लोटे का आधा पानी खुद पीकर बाकी चोर को पिला दिया और कहा एक लोटे से पानी पीकर हम माँ बेटे हुए, अब बेटा चाहे तो चोरी कर चाहे खेती। इसके बाद जब चोर उनके पास पानी लेकर आता है तो माँ जी आधा लोटा पानी अपने पीती हैं और आधा लोटा चोर को पिलाती हैं, और पिलाने के बाद कहती है कि हम एक ही लोटे से पानी पीकर हम दोनों माँ बेटे हो गए, अब इसके बाद चाहे तुम चोरी करो या खेती। ठीक है बेटा, तो मैं आपसे उम्मीद करती हूँ कि यहाँ तक आपको समझ में आ गया होगा। फिर हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।